कमलजीत सहरावत बोली, द्वारका में किया सबसे ज़्यादा काम। दिल्ली की पूर्व मेयर रही कमलजीत सहरावत के समर्थन में जनसभा का आयोजन द्वारका सेक्टर 10 के प्रेसिडेंट अपार्टमेंट में किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं बुजुर्ग भी पहुंचे और फिल्म स्टार राकेश बेदी भी उनका हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा, शिक्षित लेडी है, इनका समर्थन करना बहुत ज़रूरी है। यह कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और ऑल DDA फ्लैट्स द्वारका के चेयरमैन अनिल लोहचब के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। कमलजीत सहरावत सबसे मिलकर लोगों का आशीर्वाद ले रही है, उसका सपोर्ट मांग रही है। कमलजीत सहरावत ने कहा कि द्वारका में जितना काम हुआ है, विकास का उतना देश भर के किसी भी इलाके में नहीं हुआ है। वह वर्षों से द्वारका में रहती है और द्वारका को जानती है, द्वारका को समझती है और यहाँ के विकास करने के लिए लगातार वह प्रयासरत रहती है। कार्यक्रम के आयोजक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अनिल लोहचब ने कहा कि वह वर्षों से इनको जानते हैं, क्योंकि जब भी किसी काम को लेकर जाते हैं वो काम पूरा हो जाता है। ऐसा समय आता है जब कोई काम करवाने के लिए बसता ही नहीं, तो हम लोग यही कहते हैं कि 15 अगस्त पर आकर मैडम झंडा फहरा देना। इस अवसर पर पहुंचे फिल्म स्टार राकेश बेदी ने कहा कि वह इसलिए कमलजीत सहरावत का समर्थन करने के लिए द्वारका पहुँचे हैं, क्योंकि वह शिक्षित महिला है और शिक्षित को आगे बढ़ाना ज़रूरी है, जिससे कि विकास में तेजी आती है। इस अवसर पर पहुंचे द्वारका के अन्य गणमान्य लोगों ने भी कमलजीत सहरावत का व्यवहार और उनके द्वारा द्वारका में किए गए काम की जमकर सराहना की। द्वारका की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों की प्रत्यक्ष गवाह है। हमारे द्वारका में जितने काम हुए हैं, उतने भारत के किसी हिस्से में शायद ही होते। तो द्वारका की जनता बहुत खुश है और पूरा आशीर्वाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुझे दे रही है। मतलब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में है और आज कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली इस्तीफा दिया, उसको लेकर क्या कहना? अरविंद केजरीवाल जी ने जिस विषय पे इस्तीफा दिया है, मैं उनको साधुवाद देती हूँ कि देश की विरोधी ताकतों को उन्होंने विरोध किया है। कांग्रेस दल का इससे बुरा समय हो नहीं सकता है और ऐसा करके उन्होंने भारत हित में एक अच्छा काम। मैं यहाँ पर आया हूँ, कमलजीत जी सहरावत जो है, जो हम वो खड़ी हो रही है बीजेपी से, दिल्ली वेस्ट से, उनको सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ। एक तो वो बीजेपी से खड़ी हो रही है, दूसरा वो बहुत ही शिक्षित एजुकेटेड महिला हैं और शिक्षा में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है और हमेशा शिक्षा में ही रही हैं, पहले मेयर भी रही हैं। तो ऐसे लोगों को एक 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 शिक्षित महिला की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है पॉलिटिक्स में। मैं ख़ास तौर से इसलिए आया हूँ उनके लिए। उनका हमें विश्वास क्यों है जीत का? क्योंकि मैं ये सोसाइटी है प्रेजिडेंट अपार्टमेंट, इससे पहले सेक्टर 6-2 में वंदे मातरम अपार्टमेंट थी। 10 साल RW का प्रधान रहा वहाँ पे। हम भाई साहब लिस्ट बना के जाते थे, ऐसे ही 1, 2, 3, 4 कामों के, उनके दफ्तर में, कभी अमराई में, कभी गुरु अपार्टमेंट में। वो अगली बार जब पूछते थे, ये पूछते थे, हाँ भाई अनिल भाई ये काम हो गया, लोचो भाई ये काम हो गया, हमसे पूछती थी, हम बोलते हाँ जी मैडम ये हो गया, फिर अगली बार फिर लिस्ट लेके जाते। कम से कम हमारे भाई साहब 4-5 सालों में सारे के सारे काम उन्होंने निपटा दिए। हमें अगली बार जब गए तो हमारे पास कुछ मिला ही नहीं, हम बोले मैडम इतना ही रह गया, 15 अगस्त पे आप आ जाना और हमारी सोसाइटी में झंडा फहरा देना। क्योंकि उन्होंने सारे भाई साहब, खंबे हो, रोड हो, कंक्रीट हो, झूले हो, जिम हो, लाइटिंग का हो, A to Z काम जो होता है, करोड़ 1.25 करोड़ का 1 DDA पॉकेट में वंदे मातरम में लगाया है। तो अभी जो होता है कौनसा बजट होता है वो DDA पॉकेट से होता है, लेकिन MP का एरिया बढ़ जाता है। अब ये सोसाइटियों में भी यही चमत्कार देखने को मिलेगा, वो चमत्कार से काम करती हैं, प्रशासन से काम कराना जानती हैं। ऐसा है पूरे इंडिया में तो 400 पार होना ही होना है और ये काफ़ी बड़ी सीट है, जो 26 लाख टोटल वोटर्स हैं। पिछली बारी जैसे प्रवेश 5 लाख से जीता था, उससे ऊपर से मैडम उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने जाएंगी। ये आज आप कोरे कागज़ पे लिखवा लो, मैं इसका एडवोकेट अनिल लोचब आपको शरण वो देता हूँ इस चीज़ का 100%, क्योंकि उनके कार्यशैली से लोग बड़े खुश हैं। हाँ दूसरी पार्टियां हैं, वो उल्टा सीधा गेम खेलेंगी, राजनीति करेंगी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, सच्चाई ही हमेशा जीतती है। देखो कमलजीत सहरावत जो है हमारे परिवार की लगा लो, घर की लगा लो, दिल्ली इसमें दौर के लगा लो, बहुत ही मेहनती, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की, बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ की, बहुत अच्छी जो है सबके शुभ चिंतक है और सबकी परेशानियों को दूर करने के लिए वो हमेशा तत्पर है। हमेशा कहते हैं मैं एक फ़ोन दूर हूँ, किसी का कोई परेशानी हो मुझे बताए, सब हो जाएगा। बहुत हेल्पफुल लेडी है और भगवान उनको आशीर्वाद दे और हमारा सबका बहुत उसके लिए बहुत हम उसके आधी रात खड़े हैं। आज प्रेसिडेंट अपार्टमेंट्स सेक्टर 10 में ये जो जनसभा हुई है, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की प्रत्याशी हमारी बहन कमलजीत सहरावत जी
को आज यहाँ निमंत्रित किया था हमने, और उन्होंने अपने विचार रखे और संसद में जाने के बाद वो क्या क्या किन किन कार्यों पर अपना ध्यान देंगी उसके बारे में विस्तार रूप से उन्होंने बताया। और मोदी जी ने जितने देश और राष्ट्र के लिए काम किए हैं, जो सबसे बड़े महत्वपूर्ण काम किए, जैसे राम मंदिर का बनना, धारा 370 का हटना, 335A का हटना, मोदी जी के किए अनेक काम आज बहन कमल जी जी ने यहाँ सभी श्रोताओं के सामने रखे और ये वादा किया कि सांसद बनने के बाद, संसद में जाने के बाद द्वारका ही नहीं, इस पूरी पश्चिमी दिल्ली की जो भी कठिनाइयाँ होंगी उनका समाधान सबके साथ मिलकर के करेंगी। और हम सब ने भी उनको ये आश्वासन दिया है कि आप भारी बहुमतों से, भारी मतों से इस पश्चिमी दिल्ली से जीतकर संसद में जा रही हैं। जय हिंद, जय भारत।